वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं एकता त्रिपाठी, जनसत्ता में आपका स्वागत है। बिग बॉस 13 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में एक्ट्रेस रश्मि देसाई का नाम शुमार है। अपनी खूबसूरती से फैंस को दीवाना बनाने वाली रश्मि बिग बॉस के घर में भी लोगों को दीवाना बनाती हुई नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, रश्मि अपने खेल से लोगों का खूब दिल जीत रही हैं। उन्हें शो के विनर का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है। उनके बिग बॉस में आने से पहले ये खबर आ रही थी कि उन्हें शो में शामिल होने के लिए सबसे ज्यादा रकम मिली है। खैर, भोजपुरी फिल्मों और टीवी जगत में अपनी पहचान बनाने वाली रश्मि देसाई ने बिग बॉस में अपने जीवन की कई बातों का खुलासा किया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हाल ही में रश्मि ने बताया कि वह खुद के लड़की होने को पाप समझती थी और एक दिन तनाव में आकर जहर खा लिया था। आइए जानते हैं रश्मि के जन्मदिन पर उनसे जुड़ा ये किस्सा। रश्मि ने अपने जीवन के इस किस्से का खुलासा बिग बॉस 13 में किया। दरअसल बिग बॉस के सेट पर दीपिका और विक्रांत मेसी अपने फिल्म छपाक के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। उनके साथ एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल भी थी। इन तीनों के सामने कंटेस्टेंट ने अपने जीवन के डार्क सीक्रेट शेयर किए, जिसमें रश्मि ने भी अपने जीवन के डार्क सीक्रेट से पर्दा उठाया और उनकी बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। रश्मि ने बताया कि जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी माँ को लड़की पैदा करने के लिए काफी सुनना पड़ा था। बाद में रश्मि को भी उनके परिवार के लोग ताने मारा करते थे। रश्मि को लोग अक्सर मनहूस कहा करते थे, जिसके चलते रश्मि को लगने लगा था कि लड़की होना पाप है। इन सब तनाव के बीच एक दिन रश्मि ने जहर खा लिया। जहर खाने के बाद उन्होंने अपनी मासी को इस बारे में बताया, तब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और उनका इलाज किया गया। रश्मि के बचपन की अगर बात करें तो मूल रूप से गुजराती रश्मि देसाई का जन्म 1986 में असम में हुआ था। रश्मि का असली नाम दिव्या है। रश्मि नाम उन्होंने अपने फिल्म के लिए चुना था। रश्मि ने भोजपुरी फिल्मों में अपनी एक्टिंग करियर शुरू किया था। रश्मि सबसे पहले साल 2006 में रावण नाम के सीरियल में दिखाई दी थी। इसके बाद उन्होंने टीवी का रुख किया। रश्मि को घर घर में पहचान मिली उनके शो उत्तरण से। इसमें रश्मि ने तप्पू नाम की लड़की का किरदार निभाया था, जो आज भी लोगों के जहन में है। सीरियल्स में नाम कमाने के बाद भी भोजपुरी फिल्मों में रश्मि का मुंह बरकरार रहा है। वह अभी भी भोजपुरी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। बिग बॉस के हर सीजन में भोजपुरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई ना कोई कंटेस्टेंट रहता ही है। इस बार शो के मेकर्स ने रश्मि को चुना है। फिलहाल रश्मि देसाई बिग बॉस में अपने खेल से लोगों का दिल जीत रही हैं। वे शो की एक दमदार कंटेस्टेंट मानी जा रही हैं। उनके सिद्धार्थ और आसिम रियाज के साथ रिश्ते अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या रश्मि ये शो जीत पाती है या नहीं। खैर, रश्मि देसाई को हम जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आप भी उन्हें बर्थडे विश करना ना भूलें और इसी तरह की दूसरी वीडियोस देखने के लिए जनसत्ता को सब्सक्राइब करना ना भूलें।